योगी ने खाई है सबसे बड़ी कसम, यूपी को बनाएंगे पूरी तरह से सनातन। पहले कांवड़ यात्रा को लेकर योगी ने उठाया था ऐसा कदम, और अब लव जिहाद करने वालों को मिलेगी जेल सारी उम्र। दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की कम सीटें आने के बाद से कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिन्हें देखकर यह साफ साफ कहा जा सकता है कि योगी ने हिंदुत्व की वो राह पकड़ ली है जिससे यह साफ होने लगा है कि जल्द ही यूपी में सिर्फ सनातन धर्म का ही बोलबाला होगा। अब योगी ने यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में एक ऐसा कानून लागू करने का फैसला कर लिया जिसके बाद किसी भी हिंदू लड़की को बहला फुसला कर अपना नाम बदल कर शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन कराने पर या फिर धर्म के नाम पर धोखा देकर प्यार का ढोंग करने पर दोषी को उम्र कैद की सजा मिलेगी। इस खबर को पूरी तरह से देखने से पहले आप जान लीजिए कि आखिर योगी कौन सा विधेयक लेकर विधानसभा में आए हैं जिसके बाद से लव जिहाद करने वाले कट्टरपंथियों की नींद पूरी तरह से उड़ गई है। इस विधेयक का नाम है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2024। इस विधेयक के आते ही यूपी में चल रहे इस्लामिक धर्म परिवर्तन गैंग और ईसाई धर्म परिवर्तन गैंग की रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि इस विधेयक में ये साफ साफ लिखा है कि कोई व्यक्ति किसी को धर्म परिवर्तन कराने के इरादे से धमकी देता है, हमला करता है, विवाह करता है या विवाह करने का वादा करता है या फिर इसके लिए साजिश रचता है या फिर महिला, नाबालिग या किसी की तस्करी करता है, तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को उनके अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है। इस विधेयक के आने के बाद से ही बड़बोले मौलाना तौकीर रजा के उन सारे अरमानों पर पानी फिर गया है जिसमें वो 21 हिंदू लड़के लड़कियों का धर्मांतरण कराकर उनकी शादी करवाने जा रहे थे। अब मौलाना के लिए ऐसा करते ही जेल का दरवाजा हमेशा के लिए खुल सकता है। लेकिन बात सिर्फ मौलाना तौकीर रजा की नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से यूपी सहित पूरे देश में लव जिहाद के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हालांकि लव जिहाद का मुद्दा सबसे पहले केरल के ईसाइयों ने उठाया और केरल के मोपला मुस्लिमों पर यह आरोप लगाया था कि वो एक गैंग बनाकर ईसाई लड़कियों को फंसाते हैं और उनसे शादी करने के बाद उनको मुसलमान बनाकर सीरिया के आतंकी कैंप्स में भेज देते हैं। ऐसे कई मामले केरल से आए भी थे जब केरल की हिंदू लड़कियों ने प्यार के जाल में फंसकर मुस्लिम लड़कों से शादी कर ली थी और बाद में वो ISIS के चंगुल में सीरिया में फंसी हुई पाई गई थी। इसके बाद से इस बात पर गौर किया जाने लगा कि क्या इसके पीछे सच में कोई गैंग काम कर रहा है। तब PFI जैसी आतंकी संस्था का नाम लव जिहाद गैंग चलाने में जोर शोर से उठा था। तो जैसे ही योगी ने साल 2017 में यूपी की सत्ता संभाली, उन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए ऐसी सख्ती करनी शुरू की जिससे धर्म परिवर्तन कराने वाले ईसाई और मुस्लिम गैंग्स के कान खड़े हो गए थे। जहां वो पहले खुलेआम ये काम करते थे, योगी के आने के बाद ये काम वो गुप्त रूप से करने लगे। लेकिन योगी सरकार ने इनकी गतिविधियों को पकड़ने में देर नहीं लगाई और 2021 में ही गैर कानूनी धर्मांतरण के विरुद्ध सख्त कानून लागू कर दिया था। इस कानून को यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 कहा जाता है। इसी कानून में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला से या फिर कोई महिला किसी व्यक्ति से विवाह सिर्फ इस उद्देश्य से करता या करती है जिसका परिणाम धर्मांतरण हो या फिर कोई किसी दूसरे का धर्मांतरण सिर्फ इस उद्देश्य से करता है या करती है जिसका परिणाम सिर्फ विवाह हो, तो ऐसा धर्मांतरण गैर कानूनी होगा। इसी कानून की एक धारा ये भी कहती है कि जो भी किसी को विवाह का लालच देकर धर्मांतरण कराता है तो वो व्यक्ति अपराधी माना जाएगा और इस कानून के मुताबिक उसे सजा दी जाएगी। इस कानून के तहत सुनवाई के दौरान बेल भी नहीं दी जाएगी। हालांकि ये कानून धर्मांतरण के खिलाफ ही था, लेकिन इसमें कई ऐसी बातें थी जिसका फायदा उठाकर धर्मांतरण कराने वाले गैंग्स बच निकलते थे और दूसरे इसमें सजा भी अधिकतम 10 वर्ष तक की ही थी। तो अब योगी सरकार ने इसी कानून में संशोधन करने का फैसला कर लिया है और उसे ही नए नाम और नए रूप में लाने का फैसला किया है। साल 2021 के कानून में संशोधन के बाद अब इसे उत्तर प्रदेश
विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2024 कहा जाएगा। जहां पहले के कानून में इस कानून के मुताबिक अपराधी को अधिकतम 10 वर्ष तक की ही सजा हो सकती थी, अब इस नए कानून के अनुसार अपराधी को पूरी उम्र जेल की हवा खानी पड़ेगी। हालांकि योगी सरकार की इन कार्रवाइयों से धर्मांतरण कराने वाले गैंग्स के होश उड़े हुए हैं, लेकिन योगी ने हिंदुत्व की रक्षा को 100% तक पहुंचाने के लिए इस पुराने कानून में ऐसा संशोधन करने का फैसला किया है। और इसके बाद जो भी लव जिहाद या धर्मांतरण कराते हुए पाया जाएगा वो पूरी उम्र सिर्फ जेल में सड़ेगा और उसकी कोई सुनवाई भी नहीं होगी। आखिर योगी को कानून में फिर से बदलाव करने की जरूरत क्यों आन पड़ी, तो धर्मांतरण से जुड़ी कई घटनाएं हम आपको बताते हैं। तो साल 2021 में हिंदू से मुसलमान बनाने वाले एक बड़े गैंग का यूपी पुलिस ने पर्दाफाश किया था। इसके सरगना मौलाना कलीम सिद्दीकी और मौलाना उमर गौतम को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। ये दोनों ही लोभ देकर 5 लाख हिंदुओं को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करा चुके थे। इनमें ऐसे कई दिव्यांग बच्चे भी थे जो दृष्टिहीन थे, मानसिक रूप से कमजोर थे और शारीरिक रूप से अपंग भी थे। इसके बाद 2023 में भी इसी तरह का एक और मामला गाजियाबाद से सामने आया था, जहां एक डॉक्टर अब्दुल्ला अहमद और एक इंजीनियर मोहम्मद मुशीर कन्वर्जन का रैकेट चला रहे थे और कई भोली भाली हिंदू लड़कियों को हिंदू से मुस्लिम बनाने का काम कर रहे थे। योगी सरकार के चुस्ती से न केवल मुस्लिम धर्मांतरण कराने वाले रैकेट्स का पता चला, बल्कि कई ऐसी ईसाई संस्थाएं भी पकड़ में आई थी जो पैसे और नौकरी का लालच देकर यूपी में जमकर धर्मांतरण का खेल खेल रही थी। 2023 में यूपी के कौशाम्बी जिले की पुलिस ने ईसाई धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया था और 4 पादरियों को भी गिरफ्तार किया था। जनवरी 2024 में ही कानपुर के नवाबगंज से भी ईसाई कन्वर्जन कराने वाले ऐसे ही रैकेट का पर्दाफाश हुआ था, जिसमें एक पादरी को 100 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराने के आरोप में जेल भी भेजा गया था। तो मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।